जिले भर में पिछले दो दिनों से हुई बरसात के चलते खेतों में बोई गई फसलों को जीवनदान मिल गया है। वहीं अच्छी बरसात के दौर के बाद किसानों के चेहरों पर भी रौनक देखने को मिल रही है। किसानों की माने तो अभी अच्छी बरसात का दौर है और आगे भी अगर अच्छी बरसात हुई तो खेतों में फसलें लहराने लगेंगी। बाड़मेर शहर और जिले के कई ग्रामीण इलाकों में सोमवार दिन से शुरू हुई झमाझम बरसात मंगलवार को भी दोपहर के बाद रुक रुक कर होती रही। बरसात से किसानों के खेतों में खड़ी फसलों में पानी भर गया। बरसात से बाजरा तिलहन की फसल को काफ़ी फायदा हुआ है तो मूंग मोट की फसल को नया जीवनदान भी मिला है। इस वर्ष बाड़मेर जिले में जुलाई के महीने में काफ़ी कम बरसात हुई, उसके बाद अगस्त के महीने में सही से बरसात नहीं हुई। इससे बाजरा और तिलहन की फसल में पानी के अभाव में वह दम तोड़ती नजर आ रही थी। रविवार रात को मौसम ने करवट ली और बाड़मेर में झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे किसानों को खेतों में पानी भर आया। फसलों में पानी भर जाने से बाजरा और तिलहन की फसलों को काफ़ी फायदा हुआ है, लेकिन ऐसे में किसानों के खेतों में जिन्होंने सब्जी के लिए काचरा मतीरे की फसलें खड़ी की थी वहां पानी भर जाने से काफ़ी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक बाड़मेर जिले में ठहरा हुआ मानसून सक्रिय हुआ है, झमाझम बरसात के बीच फसलों पर रौनक लौट आई है। सिंचाई की चिंता से मुरझाए किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि बारिश के साथ तेज हवा चलने से कुछ जगहों पर तिलहन की फसल गिरने के जरूर नुकसान हुआ है। मौसम में बदलाव के बीच सोमवार को बाड़मेर जिले में बारिश शुरू हुई, पूरे दिन व रात में रुक रुक कर बारिश होती रही। बाजरी बोई है, मूंग मोट पर, तो पहले बरसात की क्या थी और अभी जो बरसात हो रही है क्या लगता है आपको? अब फर्क है उसमें क्या था ना, अब क्या है बताओ? पहले बल रही थी, अब लीली हो गई, अब बरसात ठीक फुल है और एक दो बरसात हो जाए तो धान भी जोरदार हो जाए, बढ़िया। क्या क्या धान है जो उपजेगा? मूंग है, वाट है, तिल है, बाजरी है, ग्वार है। और अगर थोड़ी बरसात में अगर कमी रही तो कम मिलेगा, फुल नहीं मिलेगा। मंगलवार सुबह भी बारिश के बीच तापमान में आई भारी गिरावट से मौसम सुहावना हो गया। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, इधर बारिश से किसानों को काफ़ी राहत मिली है। सिंचाई का संकट दूर हुआ है, बारिश फसलों के लिए संजीवनी बनकर लौट आई है। किसानों का कहना है कि बारिश से फसलों पर काफ़ी अच्छी रौनक लौट आई है। बाजरा, मूंग मोट समेत काफ़ी फसलों को बारिश से लाभ हुआ है। हालांकि बारिश के साथ तेज हवा चलने के कारण कुछ ग्रामीण इलाकों में तिलहन की फसल गिरने से किसानों को नुकसान भी बताया जा रहा है।